देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई। तो मेरे भगवान नहा धो के बैठ गए हैं और बस मैं किचन में जा ही रही थी अपना काम चालू करने। ऑलमोस्ट मैंने एक चीज़ तो बना ही लिया पूजा करते करते। तो देखिए मेरे भगवान नहा धो के हो गए हैं रेडी, तो किसी की नज़र ना लगे। आज मैंने सोचा मैं बर्फ़ी चढ़ा देती हूँ, फिर मैंने लड्डू ही लगा दिया क्योंकि भोग में लड्डू इसलिए लगा देती हूँ बच्चे खा लेते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार मैं गाना वाना चालू करती हूँ। तो ये देखो मैंने बना ली है खीर, एक आइटम मेरा रेडी हो गया है। ये मेवा वाली खीर है, इसमें है मखाने पीस के डाल दिए हैं और काजू है, बादाम है। अभी इसमें मुझे बस इलायची डालनी है, शक्कर भी डाली हुई है मैंने। तो ये हो गई है रेडी। आलू तो मैंने रात में रहेगा घी अच्छे से। बहुत अच्छे से घी डालना है, बढ़िया से इसको फ्राई करना है। तो दो तरह की आलू फ्राई बनेगी। तो आलू मैंने छील के रेडी कर ली है। तो ले लिया है ये धनिया पाउडर है, घर का पीसा हुआ है, इसको मैं सेक के फिर घर में ही पीसती हूँ। ले लिया है जीरा और ये है जीरा पाउडर, जीरा को सेक के और फिर पीसा है। इसमें थोड़ी सी धनिया भी मिला देती हूँ और कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें घी डालो। तो ये हमारा घी गर्म हो गया है, तो सबसे पहले इसमें जाएगा जीरा, फिर मैं ये सादी बना रही हूँ, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के लिए तीखी वाली बनाऊंगी। तो इसमें अब जाएगी आलू, तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर। अब इसमें थोड़ा नींबू निचोड़ के डालूंगी। और नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार और इसको अच्छे से फ्राई करना है। वो मैंने निकाल के रख दी है। अब मैं सेकेंड राउंड बनाने जा रही हूँ, जो कि मैंने बताया था हस्बैंड तीखा खाते हैं और इसमें मेरी भी बनेगी। तो बढ़िया से जीरा डाला जाएगा, इसमें कड़ी पत्ते डाले जाएंगे, और बहुत सारी क्रिस्पी मेथी डालेंगे। मिर्ची बड़ी अच्छे से पक गई है, देखो उसमें डालूंगी आलू।
करने वाले हैं ना, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ। अब इसमें जाएगा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। इसको बढ़िया से फ्राई करके निकाल लूँगी, फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ कढ़ी। तो ये अब मेरी बनने जा रही है कढ़ी, तो घी डाल दिया, डाल रही हूँ जीरा, और इसमें मैंने सिर्फ एक मिर्ची स्लिट करके बचाई है, ये पीछे नहीं बनानी है ज़्यादा। बढ़िया से पकेगा, और इसमें हमने जो ये राजगीरे के आटे से बना के रखा है घोल, इसको डाल देते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिए हरी धनिया भी काट के, और अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें बॉईल आने दीजिए। बॉईल आएगा तो इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी नमक, तो ये देखो कढ़ी भी रेडी हो गई है, ये मैंने बनी भी कर दिया है। अब इसको दूसरे बर्तन में पलट लेती हूँ। आज का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रेडी है, ये मौसम्बी का जूस, एप्पल काट दिए हैं और ये रखे हैं ड्राई फ्रूट्स। ये मैंने आटा गूंद लिया है, राजगीरा और आलू मिला के मैंने इसको गूंदा है, कढ़ाई भी मैंने चढ़ा दी है। मैं निकालूंगी पूड़ी, इसमें डालती हूँ और फिर बना। तो ये देखिए पूड़ियाँ भी बन के रेडी हो गई हैं और ये आटी बन ही रही है, कढ़ाई में भी ख़त्म हो गया था मैंने डाला है, मैंने सोचा इस पर ऐसे ही बना लेती हूँ। ये भगवान का भोग लगने जा रहा है, आज वो है ना देव उठने का, तो हे भगवान कोई भूल चुक हो जाए तो क्षमा कर देना ना। पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी तुलसी माता के पत्ते सब झड़े जा रहे हैं, देखो कितने झड़ गए हैं। दूसरी वाली थोड़ी ठीक ठाक हैं, तो आज मैं जिनकी पूजा करनी है तो बस मैंने सोचा चलो पूजा कर लेते हैं। मेरा अपराजिता का फ्लावर देखो, उसमें ब्लू कलर वाला फूल आया है, वाइट वाला भी आता है, कभी ब्लू आता है। तो बस मैं दिया बना लेती हूँ और अभी यहाँ पे मैं सारी तैयारी लगा लेती हूँ, फिर मैं
हे माँ, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना माँ, मुझे जितना आता है मैंने उतना किया माँ। अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना भैया, हे दिव्य दयाला, हे जग जननी माता। हे जगदम्बा करुणा विलंब, हे जगदम्बा माता दयाल दीन दयाल। ये हो गई है पूजा मेरी माता की। देखो तुलसी मैया, भूल चूक माफ़ करो माँ, जितना मुझे आता है उतना मैंने किया। बच्चे जो है बैठे हैं अपना, कोई टैब लेके बैठा है। अभी रीति की फ्रेंड आई थी, सारा सामान फैला के गई है। देखो इतने टॉय यहाँ पड़े हैं, अभी दोनों खेल रहे थे, बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत उसने उठा के रखा है, रखने को तैयार ही नहीं है। अब यहाँ पे भगवान की पूजा भी कर दी है। ये देखो यहाँ पर दोनों लगे हुए हैं, एक तो टैब खेलने में लगा हुआ है। और तुमको क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है रीति? चलो पैर छू लो माता के, आ वापस से भोग बना, मतलब वही पूड़ी और पूड़ी बना लूँगी राजगिरे की, और आलू फ्राई करूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी। सवेरे जो बनाया था ऑलमोस्ट सब खत्म है, थोड़ी सी कढ़ी रखी है बस, और कुछ नहीं है। तो अभी इस टाइम ज़्यादा नहीं बनाना है, और बच्चों का खाना देखना पड़ेगा कि वो लोग क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। भैया को थोड़ा दे, तो एक बार आप लोगों को फिर से देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, और प्लीज़ शेयर भी कीजिए, जितना पॉसिबल हो शेयर ज़रूर कीजिए, और नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो एवरी वन, बाय बाय एंड टेक केयर।